हाय साला, एक मच्छर हमारे रिश्तेदार बढ़ा देता है, मसल दिया। देख तो करिश्मा, महाजन 5 बजे मिलने का कह रहे। नहीं करते। अरे चाचा, सुबह से इंतजार कर रहा था, अब आया है तो बताओ नहीं। तो हमें क्यों बता रहा है? हमने धुलाना है क्या? क्या हो गया चाचा? मेरे बचपन का दोस्त अली आ गया है। अली आ गया? हाँ, अरे अली आ गया है। अरे बैंड बाजा बजाओ। मेरा बच्चा चाइना में खाने को कुछ नहीं मिलता था क्या? कैसी बातें कर रही हैं मियां आप? खा खा के कम से कम 6 किलो वजन बढ़ा लिया है मैंने। आप माँ है ना, इसलिए आपको कमी लगूंगा। ये शॉल आपके लिए। अरे मैंने तो सुना है कि चाइना में लोगों ने घरों में मोबाइल बनाने की फैक्ट्रियां लगा ली हैं। अरे अब्बा, सिर्फ मोबाइल बनाने की नहीं बल्कि हर चीज की छोटी छोटी फैक्ट्रियां बना के रखी हैं। ये कोट आपके लिए। ओह थैंक यू। लगता है चाइना जाके भाई और भाभी को तो भूल ही गए। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा भला हो सकता है क्या? एक मिनट, ये लेटेस्ट मॉडल के मोबाइल्स, एक आपके लिए और एक आपके लिए। चाइना का है, ओरिजिनल है। चाइना के हैं लेकिन ओरिजिनल, ऐसे यहाँ नहीं मिलते। अरे कैसे नहीं मिलते हैं? यहाँ तो ऐसे मोबाइल मिलते हैं चाइना के बने हुए, जो चाइना में नहीं मिलते। अब बारी है बंटी की। आपके लिए तो ऐसी आला चीज लाया हूं ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ये है 3D बॉक्स। इसमें फिल्में, गेम्स, गाने शाने सब चलते हैं, एकदम सिनेमा स्क्रीन। इसे यूं पहने, ठीक है? एक मिनट में बटन ऑन कर दूं। अब चेक करें। अरे बड़े बड़े क्या? क्या पहाड़? ये क्या कर रहे हो? वर्जिश कर रहा हूँ। क्यों? वर्जिश करने से क्या होगा? पापा कहते हैं रोजाना वर्जिश करने से जल्दी बढ़ाऊंगा। बेवकूफ, जल्दी बढ़ाऊंगा तभी तो तुमसे शादी करूंगा। पता है मैं तुमसे बहुत आई लव यू करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत आई लव यू करती हूँ। अबे तो यहाँ है। हाँ क्या छुपाया है? कुछ भी नहीं। दिखाना क्या छुपा रहा है। सबर कर। पहले वादा कर तू किसी को बताएगा नहीं। तूने शादी कर ली? अबे नहीं। किसी चाइनी से मुंह काला करा के तो नहीं आया ना? बकवास मत कर, मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। तो बताना क्या है, धड़कन क्यों रुकवा रहा है? बता रहा हूं, आज मैं तुझे अपने प्यार के बारे में बता रहा हूं।
बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। झूठ। सच। कहा मेरे सर की कसम? तेरे सर की कसम? मेरे सर की कसम? तूने तो वाकई धड़कन रोक दी इतनी बड़ी खबर सुना के। बचपन से अब तक छुपा के रखा मुझसे। हाँ यार, बस कभी हिम्मत ही नहीं हुई बताने की। हिम्मत होती भी कैसे, कोई इतनी छोटी बात थोड़ी है। अच्छा किया जो किसी को नहीं बताया। मैं तो तेरा दोस्त हूं ना, तेरी फीलिंग समझ सकता हूं, कोई और ना समझ सकता। खामखा तुझे लान तान करते। तुझसे कब तक छुपा था? तू मेरा दोस्त है। दोस्त? ये राज बता के आज तू दोस्ती की बुलंदियों से आगे निकल गया है। वो कहते हैं ना भाई, नहीं वो तो अजीब हो जाएगा। शक मुझे भी हुआ था बचपन में, जब हम अक्सर छुपन छुपाई खेलते थे ना, फिर मैंने सोचा नहीं। लेकिन देख बात वही निकली। छुपन छुपाई मतलब? अब सारे मतलब छोड़, खुल के बात कर। हाँ यार, बस अब तो बर्दाश्त ही नहीं होता है। सोच क्या किया जाए। हाँ सोचता हूँ। दुकान पे नहीं, नहीं वहां तो ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है ना। घर पे? नहीं यार, अब्बा बगैर बेल बजाए अंदर आ जाते हैं। तेरे पास भी जगह है? जगह किस लिए? मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा ना तो कुछ कुछ। दरवाजा बंद है, चल यहीं कुछ कर। ओए क्या कर रहा है? कुछ कुछ। अबे ये नहीं। ये और तू क्या कह रहा था वो छुपन छुपाई में? यख। अच्छा यख की भी कोई बात नहीं है यार, किसी की फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं। चल निकल यहां से। पता नहीं मेहरू अब तुम कैसी लगती होगी। चाचा बिटिया, नए औकात का बोर्ड लगा रहा हूँ, 2 घंटे बढ़ा दिए क्लिनिक के। अच्छा अब्बा बाहर क्या कर रहे हैं? शफाफ धूप से विटामिन डी ले रहा हूँ। चाचा प्लीज बस कर दें, आपको पता है ना मुझे शोर पसंद नहीं है। आके खाना खा लें आप। आया बिटिया, आया, बस हो गया। बिटिया खाने का तेरा जवाब नहीं, सिलाई कढ़ाई तुझसे अच्छी कोई नहीं कर सकता, और जानवर तो तूने ऐसे पाले हैं कि किसी के हाथ से कुछ खाते ही नहीं। भाई बिटिया हो तो तेरे जैसी, एक हमारी बिटिया है, चाय ऐसी बनाती है कि किसी को अगर चाय छोड़नी हो तो उसके हाथ की एक कप चाय पी ले, फिर सारी जिंदगी मरकर भी चाय का नाम नहीं लेगा। और सेहत ऐसी है कि कपड़े के एक थान से उसका एक सूट और एक रोटी वाला रुमाल निकलता है बस। सलाम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। सलाम चाचा। जीती रहो। कैसी है मेरू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्बा मैं ना आपके लिए कुछ पका कर लाई हूँ।
यकीन नहीं आ रहा। क्या बना के लाइए दिखा दो। अंडा उबाल कर लाइए ना आपके लिए। मालिक मेरी तो दुआ है कि कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए तो मैं इसके हाथ पीले कर दूं। इसको अकल बाद में आती रहेगी। एक मिनट अब्बा। क्या हुआ? पहले मुझे थोड़ा शर्माता लेने दे। मालिक अगर आपकी नजर में कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो जरूर बताइएगा। क्यों नहीं भाई, बबली भी मेरे लिए मेहरू की तरह ही है। चले फिर खाना खा ले। चलो चलो बिटिया। अरे बेटा क्या जरूरत थी इस सूट की? अरे नहीं खाला, जरूरत की क्या बात है। दुपट्टा तो है ना इसके साथ? जी। पीको मैं करा लूंगी, दुपट्टे के बगैर नहीं पहनती। थ्री पीस है ना? जी थ्री पीस है। अरे बेटा खाम खा तकलीफ की। वैसे जानी अल्लाह बख्शे खालू को, जवानी में थे बड़े हैंडसम। अरे ये क्या थे, जो मैं थी हैंडसम एकदम सॉलिड वाली। संभल के बेटा। जी जी। इसे दिखाऊंगा, बहुत सही रखी है मैंने। टाइम निकाल देते हैं, अब तो ऐसा प्रिंट आता है ना। हेलो अली जानी। जी मैं अली, ये जानी। हाँ वही। चाइना जाके तुम कुछ ज्यादा नॉटी नहीं हो गए? चीनू नॉटी। तुम कैसी हो? मैं हाँ। मैं बहुत खूबसूरत। मैं तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। ये देख, ये मेरे ड्रामे का नया पोस्टर है, अपनी शॉप में लगा दोगे ना? एकदम, फ्रंट के खोपचे पे लगाऊंगा। और थैंक यू। वेलकम। बाय अली जानी। बात सुन। हाँ। तेरे अब्बा मौलवी है ना? अब्बा मौलवी है ना, मैं तो तकरीबन इसी टाइप का ही हूँ। अबे यार किन का नाम ले लिया, तुझे पता है ना इनका नाम ले फौरन हाजिर हो जाते हैं। चल चले। अरे पागल हो गया, सलाम दुआ करते। अरे रुक तो। अस्सलामुअलैकुम अंकल। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? बस अंकल आपकी दुआएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और तू, तूने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? जी बस अभी वही बातें हो रही थी। मैं अली से पूछा था कि चीनो नॉटी लोग चाइना में लोग वुजू कैसे बनाते हैं। क्यों, यहाँ के वुजू से तेरा काम नहीं बनता? नहीं मैं तो बस ऐसे ही। बस बातें करवा लो, सुबह से शाम तक या तो आवारा करती या फिर फजूल बकवास। अरे अंकल बस बस, बच्चा है, वक्त के साथ समझ जाएगा। ये बच्चा है, इसको मौका मिले तो घर बच्चों से भर दे। तुम इसे बच्चा कह रहे हो? बच्चा बच्चा, कुत्ते का बच्चा। गुस्सा ना करें अंकल, गुस्सा ना करें आप। मैं आपके लिए ये गिफ्ट लेकर आया था, ये देखें। अरे बेटा इस तकल्लुक की क्या जरूरत थी? कतन जरूरत नहीं थी। अरे नहीं अंकल, आपके हाथों में खेला हूँ, अब कमाने लगा हूँ तो इतना हक नहीं बनता क्या मेरा? हाँ ये तो है, हाथों में तो ये कमीना भी खेला है, लेकिन मजाल है जो आज तक बाप के लिए कुछ लाया। ऐसे तो ना कहें अब्बा, कल ही तो आपने रईस फिल्म मंगवाई थी। कौन सी फिल्म? रईस। वो दरअसल उसमें पाकिस्तान की बेटी है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि उसने सकाफत और तहजीब और तमद्दुन और पुरखों की तरबियत का लिहाज रखा है या नहीं, वरना मुझे कहाँ पसंद है ये फिल्में फिल्में। मेरा भला क्या ताल्लुक इस शैतानी अमल से है? जी बिल्कुल। हाँ नहीं तो क्या, नौजवान नस्ल के ज़हन और दिल जंग आलूद हो गए हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक टीवी पे करीना कपूर, कतरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस, दीपिका पादुकोण और क्या नाम है उस गैंगस्टर वाली दो शेजा का, कंगना। हाँ कंगना रनौत, उनको मटकता और ठमकता हुआ देखते रहते हैं। पता नहीं क्या होगा आने वाली नस्ल का। जी बिल्कुल। और ये हर वीकेंड पे मुझे डीवीडी लाके देता है। अब्बा आलिया भट्ट की नई फिल्म आई है, श्रद्धा कपूर की नई फिल्म आई है। अरे भाई मेरा क्या ताल्लुक आलिया भट्ट या श्रद्धा कपूर से? श्रद्धा कपूर, उसका बाप इस काबिल है कि मैं उसकी बेटी की फिल्म देखूं? अलबत्ता उसकी खाला पद्मनी कोल्हापुरी खासी माकूल खातून थी, लेकिन औलाद तो बाप के नाम से जानी जाती है ना। जी तेरी।
बातें। अबे छोड़ ना, छोड़, आजा। मार क्यों रहे हो? मुर्गा बना हो तो हूँ ना। सर क्यों उठा रहा है? मुर्गा भी तो सर उठाता है। अबे बाहर नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम। आज क्या तोड़ दिया? बोल। जान के नहीं थोड़ा। उसे बॉडी टेढ़ी कराई थी ना? जान के या अनजाने में? बल्ब तोड़ा। पर ये तो जलता ही नहीं था। अरे जलता नहीं था? मैं जलाता नहीं था। अरे जब ये बड़े बड़े खंभों पे लगे हुए बल्ब हुकूमत नहीं जलाती तो मैं अपना बल्ब क्यों जलाऊं? अच्छा आप मेरी बात सुने, आप पैसे मुझसे ले लें, बच्चों को जाने दें। तुझसे क्यों ले लूं? तूने तोड़ा है बल्ब। अरे मैंने नहीं तोड़ा, लेकिन लेकिन क्या, इन्होंने नुकसान किया, यही भरेंगे, ये भरेंगे तो इन्हें एहसास होगा। हेलो, 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 अरे बाहर में जाओ, बैठ जा। ये लो बल्ब के पैसे। कहाँ से आए पैसे? कहाँ से आए मतलब? बल्ब तोड़ा ना, जाके अपने बल्ब खरीदो। चलो उठो। और हाँ, आइंदा याद रखना, अब अपना बल्ब जला के रखना। अरे चलो। यही होता है, जिसका नुकसान होता है उस पे हंसते हैं, और नुकसान करने वाला सबके सामने ऐसे सीना खोल के निकल जाता है। अच्छा ना चाचा, मैं समझाऊंगा, नहीं करेंगे, आइंदा बच्चे हैं। लातों के भूत है, लातों से ही मानेंगे। अभी इसकी औलाद खुद होगा बे। ओए जाहिल। अच्छा चाचा बस, वो गुस्सा थूक दे। देखिए मैं आपके लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ। ये इंग्लिश क्वालिटी के सिगार्स हैं। हाँ, वो जो पहले तुम लाए थे वो भी रखे हुए मेरे पास। चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूँ। जानता हूं कौन है। बस ऐसे ही। बस ऐसे ही क्या? और तू फिक्र मत कर, और ये तो रोज का काम है इनका यार। तू नया आया ना, परेशान मत हो, सब ठीक है। ये सब ठीक है जानी। चल भाई आग बुझा। फैसल ओए तुम लोग जाके सो जाओ भाई। चलो जाओ सारे, जाओ जाओ भाई, और चलो भाई तुम भी चलो, सारे जाके सो जाओ। जाओ जाओ सो जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे जमीर जाग जाए, सो जाओ जाके। कितने आदमी थे? सर मैं आपको कितनी बार बताऊंगा, 6 से 7 आदमी थे एक गाड़ी में। 6 या 7? उनके नाम वाम से वाकिफ हो? सर क्या बातें कर रहे हैं आप? अच्छा तो ये है भाई मियां का लौंडा, है तो हैंडसम। मेरा नाम मर्जी है और मैं अपनी मर्जी से जीती हूं। जो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता वो नहीं जीता। ये 2 टके के पुलिस वाले सुबह मेरे घर हाजिरी देते हैं, फिर अपनी ड्यूटी पे आते हैं। अब तुम मेरे खिलाफ रिपोर्ट इनसे लिखवाने आए हो। 10-10 लाख दिए हैं एक घर के, मान गए तो फायदा होगा, ना माने 10 लाख भी गए और जान से भी। मीराबाद के प्लॉट वाले आएंगे, चमड़ी उधेड़ दे रहा कुत्तों की जब तक वो साइन ना कर दे। जो हुक्म, जो हुक्म। लका 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 लका।
सेल्फियां रे सेल्फियां। सुनो जानी। तेरी सेल्फी। हाँ। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। अच्छा तुमसे एक काम था। हाँ। लगा दोगे? हैं? ये लो। ये? हाँ। क्यों? गाड़ी पे लगाना है, सीख रही हो ना आजकल, बस इसीलिए। अभी लगा देता हूँ। यहाँ क्या कर रहा है तू? अब्बा एल लगा रहा हूँ। अब ये दिन आ गए कि तू खुले आम एल लगाएगा? नहीं, बस यही होना बाकी रह गया था। मतलब बाप दादा की इज्जत को इस तरह दिन दिहाड़े सरेआम खाक में मिलाएगा? लाहौल वाला कुवत। लाहौल वाला कुवत मतलब अब इस मोहल्ले की लड़कियां गाड़ियां चलाएंगी। गोया कयामत सर पे आ गई। अब यहाँ रेस 3 और धूम 4 बनेंगी। घर की बच्चियां दीवार फलांग के वंस मोर कॉमन यू पीपल धूम मचा ले। ये सब बेहूदियां करेंगी। ना 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 ना, मैं ये नहीं होने दूंगा। शरीफ लड़कियां बिपाशा बासु और दीपिका पाडो कौन बनेंगी? अब लग गया। हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये सब होने नहीं दूंगा। आज गाड़ियां चला रही हैं, कल चिंची चलाएंगी, तो हम क्या चलाएंगे? हाथी, घोड़े, गधे। कितना टाइम लगेगा? बस ये अली के लिए देसी घी का पराठा बना दूं, उसके बाद आपके लिए रोटी बनाती हूं। वाह, देसी घी के पराठे, बड़ी खिदमतें हो रही हैं चाइना के देवर की। अब इसके लिए भी बीवी ले आओ, वो आके खिदमत करे इसकी। अरे मेरा बस चले तो मैं कल ही ले आऊं, मगर ये शर्मीला हाँ भी तो करे। शर्मीला? क्यों बे, चाइना के शर्मीले? क्या भाई, आप हर बात के साथ चाइना जोड़ देते हैं। अबे चिढ़ता क्यों है तू, खुद ही तो कहता है चाइनीज अच्छे होते हैं। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे होते हैं। फिर भी मतलब कहीं दुल्हन भी तो चाइना से लाने का इरादा नहीं है? अच्छा बाप भी। अगर कोई है तेरी पसंद तो मुझे बता दे बेटा। अरे नहीं अम्मी, मुझे कौन पसंद होगा, जैसे आपकी मर्जी, जो आपको बेहतर लगे। अच्छा तो वो तेरी फरखंदा खाला की छोटी वाली नीलम मुनीर कैसी रहेगी? अरे नहीं, नीलम मुनीर नहीं अम्मी, उसके चेहरे पे इतना बड़ा तिल है, जब भी उसकी तरफ देखो नजर घूम के उसके तिल की तरफ चली जाती है। तो ठीक है, फिर तेरी फूफी की बीच वाली मावरा कैसी रहेगी? अरे नहीं अम्मी, वो देखने में लड़की है लेकिन बोलने में लड़का है। याद नहीं उस दिन शादी में वो अपनी अम्मी को आवाज दे रही थी, आपको लगा मैं आपको बुला रहा हूँ। ठीक है बेटा, फिर तो कोई अपनी पसंद बता दे। अम्मी जैसे आपकी मर्जी ना। तो फिर मामू फयाज की बेटी आयजा, ठीक है? हाँ, अब कर इनकार, कर। यार ये क्या तरीका है? पता नहीं कब मिलेगी इसकी पसंद की लड़की। अरे अम्मी परेशान ना हो, मिल जाएगी। अरे मिल जाएगी नहीं, मिल गई है। इसके बारे में पूछो ना, तब ये हाँ करेगा। दिखाएं? ये वजह थी इसके इनकार करने की। ये पर ये उम्र में थोड़ी छोटी नहीं हो जाएगी? अरे ये इसकी बचपन की तस्वीर है मेहरू। अरे तुम मुझे क्या देख रहे हो भाई, अगर इससे कबूल है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हेलो हेलो नजीबे, कैसा है? अरे जलालुद्दीन जलाले, तू कैसा है यार? अरे मैं ठीक हूँ, बल्कि हम सब ठीक हैं। तू अपनी सुना, भाभी कैसी है, हमारी बेटी मेरू कैसी है? अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। इतने अरसे बाद हमारी याद कैसे आ गई, तू तो भूल गया यार। ये कराची की जो मसरूफियात है ना, याद ही नहीं करने देती कुछ कमबख्त। सही कह रहे, इसीलिए मैं कराची नहीं आया। अब आना पड़ेगा। कराची आना पड़ेगा? खैरियत? हाँ खैरियत है, खुशी से खैरियत है। पहले ये बता, मेरू बिटिया का रिश्ता तो नहीं कहीं तय किया ना? नहीं नहीं, एक रिश्ता आया तो हुआ है लेकिन। अरे लेकिन मैं छोड़, पहली फुर्सत पे इनकार कर दे। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि मैं मेहरू को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। मेहरू बहू?
तुझे कोई एतराज ना हो तो। कैसी बातें कर रहा है यार, बस तू समझ हम आ रहे हैं वहाँ। हाँ भाई मुबारक हो, तुम्हारी बिटिया का रिश्ता तय कर दिया है, परसों आ रहे हैं लड़के वाले। बिटिया की शादी? मालिक लड़का क्या करता है? बहुत देखभाल के किया है रिश्ता, तुम भरोसा रखो। अच्छी तरह जानता हूँ मैं उस फैमिली को, तुम फिक्र मत करो। बस एक गाड़ी का इंतजाम कर लेना, क्योंकि परसों तुम्हें जाना है उन्हें स्टेशन से लेने। हाँ मालिक, मैं बबली को जाके बताता हूँ, वो बहुत खुश होगी। हाँ हाँ, उसे कहना शादी के कपड़े बनाए बस। क्यों नहीं, जरूर बिल्कुल बनाएंगे। ये जो गाड़ी खड़ी हुई है ना, बड़ी देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी बीवी है और ये मेरी बहू है। माफ करो बाबा। और क्या मतलब है आपका, आप मांगने वाले नहीं है? तो ठीक है, वो सामने गाड़ी खड़ी हुई है, जाके साफ कर दो, मैं वापसी पे आके देता हूँ। कमाल है भाई, पैसे ने तो लोगों को अंधा कर दिया है, बड़ों की तमीज ही नहीं रही। मैं अभी नजीबे को फोन करता हूँ। किधर है फोन? फोन किधर है? ये है। पांच लोगों की फैमिली। आप लोग नजीब साहब के मेहमान हैं? जी। ये मालिक हैं। अरे क्या कर रहे हैं अब्बा, ये ठीक नहीं किया आपने। अब्बा पर ठीक ही किया है, माजरत चाहता हूँ। इस जीप के अलावा हमारे इलाके में दूसरी कोई गाड़ियाँ नहीं जाती। आपने मुझे माफ कर दिया है ना? हमारी बिटिया कैसी है? बिटिया माशाल्लाह बहुत प्यारी, अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी। बड़ी कद काट जुस्सा आप देखिएगा। अजी अब मैं अपने मुंह से अपनी बिटिया की क्या तारीफ करूं? वो या सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। खाना पकाना, सीना परोना, घर गृहस्थी, पढ़ाई लिखाई, वो या क्या बताऊं आपको। बोलती है तो झरने रुक जाते हैं और चलती है तो बादल थम जाते हैं। चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। आप लोग तो बड़े खुशकिस्मत हैं। जितनी तारीफ हो रही है ना भाभी, मुझे कम से कम एंजेलिना जूली लग रही है। कभी आपको कब्ज़ या दस्त हो जाए तो इतना बेहतरीन दलिया बनाकर देती है कि तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। मतलब डीटॉक्स शुगर फ्री भाभी। मतलब ये है कि शादी हो या नियाज, यहाँ बिटिया रानी हर फंक्शन की जान होती है। घर कब बदला? पता नहीं। मरियम भाभी और भाई साहब कहाँ हैं? हाँ जी वो भी आ जाएंगे, मगर बिटिया रानी के बगैर हर फंक्शन अधूरा, बेमजा और फीका होता है। पिटिया के ऊपर शादी के बाद किताब लिखी भी जाएगी और छप भी जाएगी। आप चाय मंगवाएं। अजी चाय तो बना रही है आपके लिए, बस अभी आती होगी। अब बिटिया रानी भाई जल्दी चाय ले आओ, मेहमान उतावले हो रहे हैं। पहली नजर मिलाने के लिए तैयार हो जा। अस्सलाम वालेकुम। ये तुम्हारी होने वाली जौजा। जौजा? सौजा। अरे भाई कहाँ रह गए तुम लोग? मतलब ये कि बबली को देख के तो जान ही निकल गई थी। और कहता है कि बबली जब चलती है ना तो बादल रुक जाते हैं, अरे उसे देखकर तो जहाज भी रुक जाए। चलो छोड़े, घर की बात है। घर की तो बात है, वो ही सोच रहा हूँ कि वो रहेगी कहाँ, अगर वो रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे। बस बस वैसे ही सर्दी है, तू तो निकल जाएगा बस कर दे। Thank you.
15 साल पहले आया था। ऐसा लग रहा है 15 दिन पुरानी बात है। वही पहाड़, वही झरने, वही खुशबू, वही बर्फ। ये कुदरती नजारे हैं, कुदरत नहीं बदलती। हाँ, लेकिन इंसान तो बदल जाते हैं ना। देख, हम बूढ़े हो गए। यकीन कर, तेरा यूं आना बहुत अच्छा लगा। यार मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरा तो दिल करता है कि मैं यहां से जाऊं ही ना। दो छल्ली बनाना यार। तो आ जाओ ना यार। क्या रखा है शहर की शोर से भरी भागती जिंदगी में? ना अपना ख्याल, ना अपनों की कदर, बस पैसे की अंधी दौड़। सही कह रहा है यार, लेकिन क्या करूं यार, कराची खून में रच बस गया है। निकालने से भी नहीं निकलेगा रगों में से। अब कराची अच्छा है या बुरा छोड़ा नहीं जाता। अरे मैं तो ये कहता हूं कि तू भी वहां आ जा, अपना क्लिनिक खोल ले और नोट छाप। ये नोट छापने वाला काम तुम अपने पास रखो, मैं यहां बहुत खुश हूं बगैर नोटों के साथ। तेरे पास नोट नहीं है मगर तेरे पास पहाड़ तो है ना यार, जो हमारे पास कराची में नहीं है। माशाल्लाह, वाह क्या बात है। कैसी हो? क्या बोलो ना, कैसी हो? अच्छी हूं। नहीं, अच्छी नहीं हूं, बहुत अच्छी हूं। मामा आ गई तो? नहीं आएंगी। इंतजार किया मैं। बस कुछ मत कहो, इन धड़कनों ने सारी दास्तान सुना दी। वो आपको अब्बा बुला रहे थे। एक मिनट। अब्बा, वो मालिक आए हैं। मैंने कुछ नहीं देखा। आप लोग गले मिले। मैं उल्लू का पट्टा हूं तो यहां से आ गया। खुशहाली का नया बाप। मलिक साहब, मलिक साहब। मेरी आवाम मुझे अच्छी तरह जानती है। मेरा बाप दादा कोई सियासत में नहीं था, ना ही मुझे ये विरासत में मिली है। ये मुझे मेरी आवाम से मिली है और मैं अपनी आवाम की जरूरतों को महसूस करता हूँ। का नया बाप। मलिक साहब, मलिक साहब। का नया बाप। मलिक साहब, मलिक साहब। खुशहाली का नया बाप। मलिक साहब, मलिक साहब। खुशहाली का नया बाप। मलिक साहब, मलिक साहब। नाजमा बाद चुरंगी का सारा इलाका खाली करवा लिया है। 2-3 दिन में पीराबाद के कागजात भी साइन हो जाएंगे। बच्चों की तरह बहला मत मुझे। इन एरियाज के कब्जे खाली होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जार्डन मार्केट वाला मोहल्ला चाहिए। लगी हुई हूं बहुत जल्द। बहुत जल्द क्या मर्जी। ये देख, यहां से ये बंदर रोड को लगता है और यहां से। तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि आने वाले 2 सालों में आया है चुंदरीगढ़ रोड और इस एरिया की क्या वैल्यू होगी। बस चाइनीज डेवलपमेंट आने की देर है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अरबों रुपए की हो जाएगी। हमारी नस्लें खाएंगी। मुझे ये एरिया चाहिए, किसी भी कीमत पे क्यों ना हो, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। मुझे ये इलाका चाहिए। बस ठीक ही है, कोई इतनी भी हूरपरी नहीं है। जितना सर चढ़ा रहे हैं शादी के बाद असल रंग दिखाएगी। यासरा। जिया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। यासरा, तुम यहाँ खड़ी हो, अंदर शादी की बात चल रही है, आओ। जी। शादी? हाँ शादी भाई,
यानी इतनी जल्दी कैसे? मतलब कुछ टाइम चाहिए होता है यार। अरे कौन सा टाइम, अभी आए हुए हैं, वापस जाएंगे फिर वापस आएंगे। तुम्हें कराची की मार्केट का अंदाजा नहीं है, बहुत नुकसान होता है, और जिया जो है ना वो अकेले कारोबार नहीं संभाल सकता। नहीं वो तो सही है, पर कोई तैयारी भी तो करनी पड़ती है। अरे कौन सी तैयारी, देखो अगर तुमने जहेज की बात की ना तो लड़ाई हो जाएगी। जिन कपड़ों में है ना बिल्कुल ठीक है, अपना कपड़ों का कारोबार है, शादी के बाद कपड़े बनते रहेंगे। मरियम तुम ही कुछ बोलो। मरियम क्या बोलेगी, परेशानी तो हमें उठानी होगी ना, हमारे रिश्तेदार हैं कराची में मोहल्ले वाले, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? आप लोगों के तो यहाँ सभी हैं, आपको किस बात की परेशानी? बस हाँ कर दो यार। तो फिर जरा ले हाँ। ये बात हुई ना, देखो दो दिन के बाद मुबारक जुमा है, बिस्मिल्लाह करते हैं। जो रब दी मर्जी। मेरी माँ ने तो इन दोनों की मंगनी करा देते, दो तीन साल बाद शादी करा देंगे, तब तक ये दोनों एक दूसरे को जान भी जाएंगे। नहीं नहीं जान जाएंगे, बड़ों ने फैसला कर लिया ना वही बेहतर है। आप मुंह मीठा कीजिए। हो गया, मगर अब मजा आएगा भाई। अब ये जो हुआ है ना वो तुम देखना। लगाऊं? हाँ हाँ सुन जी। वैसे तो दुकान पे आता नहीं है, वो कल कपड़ा यूनियन की मीटिंग है, कम से कम वहां आ जाना। जी मैं आ जाऊंगा। चल भाई। बांट भाई देख क्या रहा है। आजरा जी जी उधर चाय देने के बाद इधर भी दे देना। अच्छा भाई कहाँ जा रहा है, चल वापस बैठ जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे देख क्या रहा है, चल जाके सो जा, और अगर सोना नहीं है उसका हाथ छोड़, छोड़ उसका हाथ, आराम से खेलो। चलो रहने दे इसको, छोड़ दे छोड़ दे, मर जाएगी बेचारी कमीने। आजकल तो शर्म बिल्कुल ही खत्म हो गई है।
अब मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं पूछ रहा था कि कल मीटिंग में कितने बजे जाना है। 10 बजे आ जाना, और क्या जी। ये हुई ना बात, अब देखता हूं अब तेरा क्या बनेगा कालिया, उससे नहीं होगा, रहने दे। यानी कल रात कोई टट्टी पिक से नहीं चली, मतलब सारी रात हम आपके यहाँ कौन रहा दूर दूर से, और मैं यहाँ सारी रात ये सोचता रहा कि दबंग वन और दबंग टू का डबल प्रोग्राम चलेगा। यार बस यार क्या बताऊँ मैं, तो नहीं एक मिनट रुक, तू रात भर मेरे बारे में क्यों सोचता रहा? नहीं नहीं, वो तू अपना दोस्त है ना, तो तेरा ख्याल रहता है। बस इतना ख्याल मत कर मेरा। कैसे ख्याल ना करूं, तू शादीशुदा होके भी यहाँ कंवारा खड़ा हुआ है, ये तो गलत बात है। हाँ यार है तो गलत बात, लेकिन मैं क्या करूँ, ये कोई एक रात का मसला थोड़ी है, यहाँ तो हर रात यही होगा। ये रातें तो तेरे लिए चांदनी रातें होनी चाहिए थी, और तेरे घर पे अमावस के दरिंदे घूम रहे हैं। देख मैं ना तुम लोगों ही करता हूँ दावत है, लेकिन तुम दोनों ना किसी बहाने से घर पे रुक जाओ, मैं यहाँ सबको खाने पे मसरूफ कर दूंगा, वहां तू भाभी के करीब जाके ना ऐसे गुद्दी पे हाथ रख के ना ऐसे करीब लाके ना, चल लव हैंडल पकड़ के खींच लियो। ओ भाई आगे मुझे पता है क्या करना है। देख ले तेरे पास ऑप्शन है, जैसे एडजस्टमेंट हो कर लियो, कर लेगा ना, कर लेगा इंशाल्लाह। भाभी जी हमारे खानों में खुलूस और मोहब्बत तो बहुत होगा, शायद आपके खानों जैसा जायका ना हो। अल्लाह बख्श जानी की माँ की वफात के बाद सारे काम मैंने हाथ से किए हैं। जानी ने तो कई बार कहा अब्बा शादी कर लें, अभी आपकी उम्र ही क्या है, हैं? अब भाभी जी एक बार तो रिश्ता भी आया, खातून नए नक्श में सुष्मिता सीन जैसी थी, अलबत्ता कद काट में विद्या बालन जैसी थी, लेकिन दिल नहीं माना, मानता भी कैसे, आपने तो देखा होगा जवानी में क्या जोबन थे। अब मियां भाई आप ना देखें, ना महरम होती है ना। या अली को फोन करो, कहाँ रह गया वो? फोन तो घर भूल आया हूँ। मेहरू और अली पता नहीं कहाँ रह गए। वैसे अंकल खाना बहुत अच्छा है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो मसालों का कमाल है, राजा के मसाले, वो जिसके एड में ईमान अली आती है, आय हाय हाय हाय, देख के ईमान ताजा हो जाता है। पानी देना, पानी देना। आप ये जूस पीजिए, ये वो कतरीना कैफ के कतरों वाला है, वो जो होंठों पे टपका दिए है ना, बहुत मीठा है, आप पीजिए तो सही। सुनिए अली और मेहरू तो आए नहीं, तो ईमान के मसाले, मीरा की चटनी और कतरीना के कतरों वाला जूस पार्सल कर दीजिए। चलो मर्जी जी। पूरी बात लाला, ऐसा नहीं करते, उम्र में ये तुमसे बड़े हैं, सुना है बेटियां भी हैं शादी की उम्र की। मेरे बस में नहीं, आपके कहने पर मैंने कोशिश की थी मगर मुझसे नहीं होगा। याद रख अगर तुझसे नहीं होगा तो फिर। मिर्जा जी बहुत छोटा आदमी हूं मैं, मेरे लिए ये काम बहुत बड़ा है। बड़ा काम, इसीलिए तो लाखों रुपए खर्च कर रही हूँ, तू मोहल्ले का काउंसलर है, इतनी तो चलनी चाहिए थी। काउंसलर मैं हूँ मगर मोहल्ले के लोग बात भाई मियाँ की मानते हैं। पहले तो वो अकेले थे, अब तो उनका बेटा अली भी आ गया, और वो उनसे दो हाथ आगे वो मोहल्ला बिकने नहीं देगा। लाला जरा उसे समझा, ठंडा हो जाए तो ठीक, वरना लका 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 लका।
कराची में एक और अफसोसनाक वाकया। जी हाँ, कराची के इलाके जहानियाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट के नतीजे में 12 अफराद जान बहक और मुतअद्दिद जख्मी। प्याज कट गए तो मुझे दे दो। जहानियाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट के नतीजे में 12 लोग फौत हो गए, बम फट गया। अरे बेटा, कराची में सुकून ही कब है, ये टीवी वाले भी यही दिखाते रहते हैं। छोड़ परे तू। जान बहक मुतअद्दिद जख्मी। तो हम अभी तक ये वाजे नहीं हो सका कि धमाका खुदकुश था या कहीं नस्ब किया गया था। कहाँ जा रहे हैं मेरे हीरो? कितनी बार समझाए कि जरा फासले से मिला कर। अरे मेरे राजा, हमारे फासले खत्म हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वैसे भी नॉन रिस्पॉन्डिंग डिवाइस हूँ। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ से कटो, मैं जरा मेहरू के साथ आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ। हाय मेरे राजा, हमें भी कभी कौन आइसक्रीम खिलाने ले चल। सच्ची मैं तो कौन देखते ही पिघल जाती हूँ। और देख, अभी से तूने कहा ही है, हमें दिल की धड़कनें तेज हो गई, धक 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 से धड़क धड़क हो रही है, देखना। हाँ ठीक है, अच्छा ये लो, तुम लोग जाके आइसक्रीम खा लो और मेहरू के लिए दुआ करना। दुआ तो मैं रोज करती हूँ मेरी जान, पर तू भी तो कुछ कर। करीना बोल ना मेरे सैफू। हाय हाय मैं सत्की, गुस्से में तो तू और भी गजब खाता है। तुझे पता है मेरा दिल चाहता है तुम उससे कुश्ती लड़े, मुझे उठा उठा के पटके, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं करवट कभी बाएं करवट, और बस मेरी मत ही मार दे। मैं तो सुन के थक गई हूँ। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे ना। एक मिनट शफकू चाचा। क्या? ये देखिए आपके बालों के बारे में क्या कह रहे हैं ये दोनों। क्या कह रही है? अरे चाचा, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि तुम्हारी जुल्फें बिल्कुल सनी लियोन जैसी लगती हैं। अभी चल सुड्डा आ जाएगा। चल खबीस। अरे बिलाया डाटा सुड्डा कमबख्त। अली बम फट गया। कितने लोग मरे? 12 लोग मर गए। 12 लोग मरे, शुक्र है कि छोटा ब्लास्ट था। अच्छा चलाओ, मैं तुम्हें आज आइसक्रीम खाने लेके चलूं कराची की सबसे अच्छी। आ जाओ। चल, मर्जी जी ने बुलाया तेरे को। ओ लड़की चल इधर से।
खैर मुझे तो बांझ लगती है, इतने महीने होने को आ रहे हैं अब तक तो कोई खुशखबरी नहीं थी। मैं तो पहले ही शादी के खिलाफ थी, लेकिन मेरे यहां सुनता ही कौन है? अब सब पछता रहे, सबकी उम्मीदों पर पानी जो फिर गया। पानी बहुत खारा आ रहा है आजकल, तुम्हारी तरफ कैसा आ रहा है? हाँ हाँ अच्छा, तो क्या मसला है टेस्ट करवाने में? क्या हो गया है तुम्हें? भाभी की तो आदत है कड़वी बातें करने की। आपने सिर्फ भाभी के मुंह से सुना है, मैं बहुत सो के मुंह से सुन चुकी हूँ, लेकिन मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। तो तुम क्यों ध्यान देती हो किसी की भी बात पर? ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए हम दोनों डॉक्टर के पास नहीं जा सकते? प्लीज डॉक्टर, मेरी रिपोर्ट्स तो ठीक है ना? तुम क्या हमेशा ऐसे ही अंदेशों में घिरी रहती हो? अरे नहीं डॉक्टर, अंदेशा कैसा, अल्लाह का बहुत शुक्र है, सब बहुत प्यार से रखते हैं इसे। रिलैक्स, तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, सब कुछ नॉर्मल है। तो फिर मैं अभी तक? हर इंसान का इस दुनिया में आने का एक वक्त मुकर्रर है। तुम्हारा बच्चा अपने वक्त का इंतजार कर रहा है, बस तुम ये दुआ करो कि उसकी आमद जल्द हो। अली, तुम्हें अपनी बीवी के चेहरे पे छाया किसी किस्म का स्ट्रेस या खौफ बिल्कुल नजर नहीं आता। खौफ? कैसा खौफ? जैसे अभी के अभी कुछ होने वाला है। मैं समझा नहीं आपकी बात। तुम जरा अपने मोहल्ले के बारे में सोचो और फिर उस माहौल का तसव्वुर करो जहां से वो आई है। अब ईमानदारी से बताओ, वो वहां ज्यादा पुरसकून थी या यहां? डॉक्टर, वहां उसका घर था तो ऑब्वियसली वहां ज्यादा पुरसकून होगी, लेकिन रह तो यहां भी रही है और बहुत आराम से रह रही है। हाँ बिल्कुल वैसे ही रह रही है जैसे किसी मासूम से हिरनी के बच्चे को लाकर शहर की सड़क पर छोड़ दिया जाए। वो पहाड़ों में दरख्तों के दरमियान पूरा दिन बेखौफ खतर भागता फिरता है, लेकिन शहर की सड़कों पर कोई ना कोई तेज रफ्तार गाड़ी उसे कुचलती हुई निकल जाती है। मेहरू भी उसी जहनी इंतशार और खौफ के साथ जी रही है। और फिर तुम्हारा मोहल्ला, झगड़े, फसाद, शोर शराबा, हॉर्न बजाती हुई तेजी से भागती हुई गाड़ियां, और आए दिन खबरों में मुर्दों की बढ़ती हुई तादाद। अली, ऐसे माहौल में जिंदगी जन्म लेते हुए डरती है। डॉक्टर, अगर ऐसी बात होती तो मेरे मोहल्ले में और लोग भी तो रहते हैं, उनके यहाँ तो बच्चे हो रहे हैं। क्योंकि वो औरतें यहीं पैदा हुई हैं, यहीं पर पली बड़ी हैं, वो शोर शराबे और खौफ की आदी हैं। उन्हें तो शायद पता ही नहीं कि सुकून होता क्या है। तुम कुछ अरसे के लिए मेहरू को वहीं ले जाओ जहाँ से वो आई, और बच्चे के कंसीव होने और पैदाइश तक उसको वहीं रखना। थैंक यू। टेक केयर।
डॉक्टर ने कहा है कि उसके और हमारे इस शहर में बहुत फर्क है। उसका दिमाग इस शोर शराबे और गंदगी में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा या तो मैं उसको वापस ले जाऊं या फिर किसी ऐसे एरिया में शिफ्ट हो जाऊं जो थोड़ा साफ सुथरा हो, वरना इसकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है भाई, तेरी बीवी है, तेरा बच्चा है, जो फैसला करना है कर ले, मैं नहीं बोलूंगा। मेरे फैसले की बात ही नहीं है, डॉक्टर कह रही है कि मैं जगह तब्दील करूं, यहां से कहीं और शिफ्ट हो जाऊं। ठीक कह रहा है भाई, ठीक कह रहा है, जगह बदल लो, खुद को ना बदलना। आज एक बच्चा पैदा करने जा रहा है, कल दूसरा बच्चा पैदा करने जाएगा, फिर बच्चे पालने के लिए जगह तब्दील करेगा, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी हिफाजत करने के लिए जगह तब्दील करेगा। खुद को ना बदलियो, हमेशा तो यही तो होता चला आया है कि बुरे रहने वाले होते हैं और बदलाव महिला होता है। अरे कभी किसी ने सोचा कि ईंट गारे और मट्टी से बनी हुई दीवारें बुरी नहीं होती, इसमें रहने वाले बुरे होते हैं, उनकी फितरत गलत होती है। अरे बच्चा पैदा होगा तो इसी माहौल में आएगा ना, फिर वो इसी रेवड़ का हिस्सा बन जाएगा और वही करेगा जो बुरा हो रहा है। यहाँ रहने की आदत हो जाएगी ना जब, तो सब ठीक हो जाएगा। आदत तो जीने की भी हो जाती है, तो क्या लोग मरना छोड़ देते हैं? ठीक कह रहा है भाई, बिल्कुल ठीक कह रहा है, सही कह रहा है। लगता है चर्बी ने तुझे नाकारा बना दिया है, ना हाथों में दम रहा ना दिमाग में ताकत। किसी और के जिम्मे लगा दूं ये काम, पर देख ले जो ये काम करेगा वो तेरी जगह पर होगा। शायद जी थोड़ा सा टाइम और दे दे। याद रख आखिरी बार थोड़ा सा टाइम। मस्टेंडे, जो भी करना है सोच समझ के करना है, चाहे उनकी हड्डियां तोड़नी पड़ जाए, चाहे उनकी लाशें गिरानी पड़ जाए, उन सारे कुत्तों को उठा के मोहल्ले से बाहर फेंक दो। ठीक है वर्जी जी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? क्यों बुलाया? सब बदलना होगा। क्या बदलना होगा, क्या कह रहे हैं? इस जिंदगी से मौत बेहतर है, कम से कम साफ सुथरी मिट्टी में दफनाए तो जाएंगे। हुआ क्या है, कुछ बता तो सही। यही तो मसला है, हमें कुछ नजर ही नहीं आता है। मुझे भी नहीं आता था, लेकिन अब सब नजर आने लगा है, और अब मैं ये सब ऐसे नहीं रहने दूंगा। मुझे नहीं पता ये सब कैसे होगा, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक इसे बदलने की कोशिश करूंगा। चाहे कोई मेरे साथ हो या ना हो, मैं अब जानवरों की तरह नहीं रहूंगा। बस बस अब और नहीं। अगर वो तुम्हारी बीवी है तो हमारी भी बहू है।
लेकिन हमसे ये ड्रामा वगैरह नहीं होगा। अब्बा मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा। तो ये ड्रामा नहीं है तो और क्या है? मुझसे सब नहीं होगा। मैं अपनी माँ के यहाँ जा रही हूँ और आप लोगों की नौटंकी जब खत्म हो जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। अब्बा डॉक्टर ने कहा है कि मेहरू को अच्छा माहौल देने की जरूरत है। अच्छा माहौल क्या होता है? अच्छा माहौल वही होता है जहाँ इंसान इंसानों की तरह रहते हैं। तो क्या हम जानवरों की तरह रह रहे हैं? शायद उससे भी बदतर। क्या बकवास कर रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। अब्बा जानवर जब जिस जगह पर बैठ रहा होता है ना, उस जगह को साफ कर कर बैठता है जहाँ बैठ रहा होता है। और हम मोहल्ले में कोई एक घर ऐसा नहीं है जिसकी पानी की टंकी ना टपकती हो, कोई एक गटर नहीं है जिसका ढकना हो, कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब एक दूसरे के दरवाजे के सामने हम कूड़ा करकट नहीं फेंकते। नहीं अब्बा, इंसान इस तरह नहीं रहते। 3 साल तू बाहर क्या रह के आ गया? हमें जानवर बना दिया, जो मुंह में आए पके जा रहा है। अब्बा बस, हम जानवर है ना तो हमें जानवर ही रहने दे। और एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरा दादा, तेरा बाप और तो खुद जिस माहौल में पले बड़े हो ना, तेरी औलाद भी उसी माहौल में परवरिश पाएगी। नहीं अब्बा, नहीं, मेरी औलाद ना तो इस गंदगी में पैदा होगी और ना ही जानवरों की तरह पलेगी बढ़ेगी। ये मेरा आपसे वादा है, वादा है मेरा। मैं तो तेरे साथ हूं। मुझे लगता है कि और लोग भी आएंगे मीटिंग। क्यों नहीं आएंगे? सब आएंगे। मैं कोई गलत काम करने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। आपके ना सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप रात 12 बजे मीटिंग में आए तो। 12 बजे? सच्ची सच्ची बता, मीटिंग ही है ना, टाइम तो तुमने बड़ा चीटिंग वाला रखा है। देख भाई, हमारे साथ बड़े हाथ हुए हैं, लोग हमें मीटिंग का कह के देखे जाते हैं, उसके बाद और तू तो मेरा दोस्त है, अगर तू मेरी बात नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? मैं ऐसे वैसे चक्कर में नहीं पड़ता हूँ पुत्र, पर अली के लिए जरूर आऊंगा। अरे 11 बजे सो जाती हूँ बेटा मैं, क्या बात हुई? सुबह आकर मुझे बता दीजिए। अली भी तो हर मामले में आप लोगों के काम आता है। आज आपकी बारी। ये सारी बातें शायद आपको सुनने में मुश्किल लगे, लेकिन बिलीव मी, अगर एक बार हम सब मिलकर एक हो जाए तो ये सब कुछ बहुत आसान है। जिया भाई तो आने लगे थे लेकिन अब्बा ने रोक लिया उनको। आज मेरे अपने घर वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उनको उनकी गलती का एहसास दिला रहा था। आज हम सब बेवकूफी की उस नहज तक पहुंच गए हैं जहां हमें दूसरे में कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती है। बाप दादा के नाम पर हम वो गलतियां जानबूझ के किए जा रहे हैं जो शायद उनसे गलती से हुई थी, जो शायद उनसे नादानी में हो गई थी। बस अब बहुत हो चुका। तू बस कर दे भाई, उस वक्त से सुन रहे, तेरी एक बात भी समझ में नहीं आई। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अली, अगर हम खुद को तब्दील करना चाहें तो इसमें क्या मुश्किल है? वो क्या तब्दीली तब्दीली की रट लगा के रखी है, तू धरने में आया है क्या? अजहर भाई मेरी बात सुनो, अजहर भाई ये सिर्फ मेरे बच्चे के लिए नहीं है, हम सबके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये। भाई तू अपने बच्चे की बात कर, हमारे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं और धड़ाधड़ होते हैं। अगर इतने ही धड़ाधड़ होते हैं ना तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, पता कराओ। जानी आया है कोई अली की बात तो सुन ले। लो भाई एक और तब्दीली बोली, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा ये यहाँ क्यों है और इसके कौन से बच्चे हैं जिनकी फिक्र इनको खाए जा रही है। अगर मैं तेरे जैसे होते हैं ना तो मैं तो प्राउड माई सेल्फ। अली इस महल्ले का हर बच्चा मेरे अपने बच्चों जैसा है और इन सबकी खातिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना काफी है या दो वहां रात जहां से तेरे जैसे मर्द सोचते हैं मर्द? भाई इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता, सुबह वर्कशॉप भी खोलनी है। अजहर भाई प्लीज मान जाए, हम वर्कशॉप की जगह फूलों की नर्सरी बनाएंगे। अबे भाई तू बावला हो गया क्या? नर्सरी खोलूंगा तो क्या फूलों का सालन बनाया करूंगा? आ बिल्लू
ये तो सारे सठिया गए। चल छोड़। मेरी पेंट की दुकान है, जितना भी पेंट चाहिए होगा मैं ला के दूंगा। दर्जी का कोई भी काम हो वो मैं करके दूंगा। लोहे का कोई काम होगा तो मैं अपनी वेल्डिंग मशीन ले आऊंगा। अली भाई मैं प्लम्बर हूँ, सारे मोहल्ले की लीकेज बंद कर दूंगा। अली भाई लकड़ी के सारे काम की जिम्मेदारी मेरी। और वो मासी मेरे बहुत जानने वाले हैं, वो सबके नए कपड़े बना देंगे। हाँ अच्छा यार, वो प्रिंटिंग प्रेस की जरूरत पड़ेगी हमें। प्रिंटिंग प्रेस तो मंजूर चाचा की है ना, वो हमारे साथ नहीं है। आज नहीं है लेकिन कल जरूर साथ होंगे। हम सब बेरू बिटिया से लव करते हैं अली, हम तुम्हारे साथ हैं। ठहर जा। अमन तरक्की और खुशहाली की राह में कराची सबसे आगे। आईजी सिंध ने कहा है कि पिछले महीने से कराची में कोई गैर कानूनी वाकया पेश नहीं आया। दुनिया भर से लोग कराची आने के लिए बेताब। अरे सुन रही हो? हा? कराची में अमन हो गया है। हुकूमत की तरफ से हर चीज की कीमत में 50% तक की कमी। कमाल हो गया ये तो। मुल्क में हर जगह सुकून की फिजा कायम हो चुकी है, हर तरफ खुशहाली और अमन का कानून नाफिज हो चुका है। मैं जिंदगी में पहली बार बहुत डरा हुआ था अब्बा, क्योंकि आप मेरे साथ नहीं थे ना। लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं है। थैंक यू अब्बा। अब्बा को थैंक यू बोलेगा? जब मैं कल तेरे साथ नहीं था ना, तब भी तेरे साथ था और आज भी तेरे साथ हूं। जा, तू फिक्र ना कर। कितना प्यारा है ना। मैंने तो कहा था कि सब अच्छा है, बस तुम टेंशन ना लिया करो। हुकूमत ने ऐलान किया है कि आइंदा किसी से जंग नहीं करेंगे। बंटी जंग नहीं करेंगे। हाँ। ये क्या था? क्या क्या था? कुछ भी तो नहीं। तुम अंदर चलो ना, डॉक्टर ने कहा है कि तुम अपने खाने पीने का ख्याल रखो। बच गया बेटा तू। हाँ बिल्लो, तारें जोड़ दी है ना सबकी, लाइव जाना चाहिए सबके पास। हाँ परवानी सबके घर लाइव जाएगा। हाँ। इतना मेकअप कम है ना, खत्म हो गया था तो मैंने सोचा विदाउट मेकअप कर लेते हैं, वैसे भी तो न्यूज पढ़नी है। ये विदाउट मेकअप है, ठीक है। देख यार मक्खियाँ ना हो, कंचा पर जानी भाई। हाँ डोनाल्ड ट्रंप तैयार। अबे इनके साथ की लड़कियाँ कहाँ हैं? अबे बहुत पैसे मांग रही है भाई। हाँ अच्छा ठीक है, कटाओ उनको, कटाओ। नायाब शरीफ नहीं मिला जानी भाई। अबे नायाब शरीफ नहीं मिला तो जाके ढूंढना यार, सारे का मैं ही करूंगा। बिल्लू तुझे ही मैंने बोला था यार। अरे ये है ना नायाब शरीफ। अच्छा भाई। हाँ ना, ऐसा कर इनको नला धुला के ना खुश करके ले आ, एकदम नया शरीफ बन जाएंगे। जा मेरे भाई जल्दी तैयार कर। जी भाई। हाँ अज्जू भाई, अज्जू भाई चलो तुम लाइन कराओ। अब मेरा मतलब लाइने करो।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुस्तनसर हुसैन अब्दी और मैं हूँ शकीला भवानी। आज की खास खास खबरें कुछ यूँ हैं। हुकूमत ने 3 दिन में लोड शेडिंग खत्म करने का वादा पूरा कर दिया है और साथ में ये भी कहा है कि अगर अब कहीं लाइट जाए तो उसे लोड शेडिंग का नाम ना दिया जाए। इमरान खान के मियाँ बरादरान से ताल्लुकात इस्तवार हो गए हैं। दुनिया भर से सियासी शख्सियात का पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल करने का दिली ख्वाहिश का इजहार। मैं पाकिस्तान में आके इंटरनेशनल रेसलिंग शुरू करूंगा, मगर उसमें कोई नहीं लड़ेगा, सिर्फ प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव। Here are my girls। और अब शोबिज की खबरें। पाकिस्तानी फिल्मों ने बॉलीवुड की फिल्मों को टक्कर दे दी और फिर चकराकर बैठ गई। और मेरा नया ड्रामा कल 8 बजे से शुरू हो रहा है और उसकी टिकटें आपको रेनबो सेंटर से मिल सकती अरे, हैं। अरे बंद कर अबे सोच निकाल इसका। मेरा मतलब ये आप तो ऐसी क्या अनहोनी हो गई? मैंने पैंट शर्ट पहनी हुई है, कोई बिकनी तो नहीं पहनी हुई? नहीं वो पहनिएगा भी नहीं, आपका तो मसला नहीं है, बिकनी बेचारी अनकंफर्टेबल हो जाएगी। लेकिन ये पैंट शर्ट क्यों? क्या क्यों कैसे? देखो जब नरगिस, वीना मलिक, कामरान खान और मतीनुल्ला हज कर सकते हैं तो मैं पैंट शर्ट क्यों नहीं पहन सकता? वाई नॉट? हाँ ये, लेकिन ये मतीनुल्ला कौन है? बांग्लादेश का बहुत बड़ा एक्टर है, तू नहीं जानता। ये बता, इस ड्रेस में शाहरुख खान ज्यादा अच्छा लग रहा था या मैं? का 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 का। खैर तुझे तो मुझ पे ही अच्छा लगेगा, बाप जो ठहरा तेरा है। लेकिन मैं ऐसी नॉन बाइस तारीफ को बिल्कुल नहीं मानता, ना, नो एंड ना इवर। बाहर वॉक पे चलें? जी चलें। अरे बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। मुल्क में सुकून की फिजा कायम हो चुकी है। वाह वाह वाह। आपने सुना नहीं तो दोबारा पढ़ दूं? वाह वाह वाह। समझ गया। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि मुल्क की तमाम जमातों ने एक जमात बनाने का फैसला कर लिया है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। ये कमाल नहीं हुआ, ये खबर है, हकीकत में कुछ नहीं है। भाभी कमिंग। इधर उधर की बातें हैं, उधर इधर की सुर्खियां, कहीं से चुप के कहते हैं, कहां से चुप के सुन लिया। तेरी गुदगुदी सी हंसी ने हम सब का दिल छू लिया। मेहरून सा we love you, मेहरून सा we मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ और नई धुन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मैं तो बचपन से ही अच्छा खेलती हूँ, पता है अंडर 19 भी खेल चुकी हूँ। हाय मेहरू, हाउ आर यू बॉय? मैं ठीक, तुम सुनाओ? ठीक स्वीट। पता है हम बेस्ट ऑफ 5 खेल रहे हैं और मैं तो खेल खेल के थक गई हूँ, लेकिन देखना जीतूंगी मैं ही, क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीती। ला दो मेरी चिड़िया। खिलाओ खिलाओ। एक मेरी बेटी को और एक मेरे बेटे को। देखो ना मेहरूबा जी, अम्मा मुझे खिला खिला के मोटा कर देंगी। आए हाय, मेरी नजरों से देख कितनी कमजोर हो गई है तू, अब तो मैं तुझे अपने हाथों से ही खिलाऊंगी। क्यों मेहरू,
बस अब मेरा पेट भर गया। अब मैं आपको खिलाऊंगी ये। बस बहुत हो गया, अपनी बर्दाश्त होता मुझसे ही सब कुछ। मैं अभी मेहरू को जाके ये सारी ड्रामेबाजी बता दूंगी जो जो यहाँ हो रहा है। बहुत महारानी बनी फिरती है ना वो। अब देखो, खबरदार जो ऐसी हरकत की तो ना अब ना बाद में। अगर हमदर्द नहीं बन सकती तो दुश्मन भी मत बन, और ना तीन लफ्ज बोलकर घर बिठाऊंगा सारी जिंदगी के लिए। ये अली, अली वहां चले, वो देखिए कितने प्यारे पौधे लगे हुए हैं। चलो। आपको पता है हमारे घर के बाहर भी ना ऐसी पौधों की कतारें लगी होती थी। ये वाले फूल हम घर ले जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मेहरू बेटा, कहो तो सारे गमले ऊपर रखवा दूं? नहीं, सारे नहीं, बस जो मेहरू कहेगी वो। जी अच्छा। ये वाले देखिए कितने प्यारे हैं। अमन, तरक्की और खुशहाली की राह में कराची सबसे आगे। वाह भाई वाह। दुनिया भर से लोग कराची आने के लिए बेताब। क्या बात है। हुकूमत ने हर चीज में 50% कमी कर दी है। सुभान अल्लाह, कमाल हो गया। वाह वाह भाई वाह। तुम थक गई होगी ना, तुम रूम में चलो, मैं बस आता हूँ। ओके। हर तरफ खुशहाली खुशहाली खुशहाली। आ हा 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 हा, कराची रोशनी। क्या कर रहे हैं आप लोग यार, मेहरू की बच्ची थोड़ी है। हमारे लिए तो बच्ची है, क्यों आज रहा? हाँ, मेरी भी बच्ची है वो। अच्छा बस, अभी अखबार कोई नहीं पढ़े। अबे क्या कर रहा है? हाँ तो पढ़ कहाँ रहे हैं, अब तो ज़बानी याद हो गया। यार बंटी, आप सो जाए ना प्लीज। अच्छा हम सो जाएंगे, तू अंदर जाके क्या करेगा बता नौटी। हैं? मैं क्या करूंगा, मैं भी सो जाऊंगा जाके, बल्कि मैं तो जा रहा हूँ। अब्बा, वो मैं अंदर जा रहा हूँ। मेरा शेर। अरे मैं कोई जंग लड़ने थोड़ी जा रहा हूँ यार। अरे ये जंग ही है, मिनी जंग। देखो अब कुछ शोर नहीं करेगा। ओके। हाँ जा जा। ये अकेले आदमी का काम नहीं है। नहीं नहीं, लाइट नहीं गई, मैंने खुद बंद की है, मैंने बंद की है वो। हाँ, रोशनी में अच्छा नहीं लगता ना। हाँ हाँ, लाइट तो है, लाइट तो है, लाइट है, लाइट है। ये कितनी उंगली है? छह। अरे देखा, लाइट है, लाइट है। अरे कराची में तो लोड शेडिंग ही खत्म हो गई है। अरे बल्ब जल रहे हैं, कितनी रोशनी है, पूरा घर जगमगा रहा है। सुनो, कुछ भी हो जाए आज तो हो ही जाए बस। ओ भाई, मुझसे खामोखा की बहस मत करो तुम। मेरी बाइक है, सनसनी लगाऊं या उतारूं, तुम्हें क्या? बदमाशी है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, बदमाशी नहीं, प्यार है, मोहल्ले वालों का ख्याल है। देख, तू अपनी बाइक फ्लैट के नीचे खड़ी करता था ना, तो कभी पेट्रोल निकला होता था, कभी हवा। आज से महबूब भाई यहाँ होंगे, तमाम बाइक की हिफाजत करेंगे। पक्का? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल। चलो ऐसा है तो फिर ठीक है। बात सुन, ये पेट्रोल कौन निकालता था? मैं निकालता था, आज के बाद नहीं निकालूंगा, टेंशन फ्री हो जाओ। हैं? और हरा क्यों निकालता था? चल। वो मैं आप। मैं क्या बोलो ना।
अम्मा यहाँ पर है। अम्मा हाँ अम्मा। अच्छा बस लास्ट। अम्मा इस घर में आपकी माँ आने वाली है। अम्मा हाँ क्या बोल रहा है? भाभी अब होगी आपकी गोद भराई। मेरी? अरे कैसा शोर है। अरे बंटी 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 आप बाप बनने वाले हैं। हाँ या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो मायूस ही हो गया था। अरे जानी जानी तुझे पता है इस दुनिया में तेरा भाई आने वाला है। सच्ची? हाँ मुझे पहले से ही अब्बा पे शक था। कौन है वो कल मोही जिसके साथ अब्बा ने मुंह काला किया है? अब्बा अरे अब्बा 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 मैं अब्बा मैं अब्बा अब्बा। अरे क्या हो गया? अरे अली अली हेलो मुबारक हो आपको। ओ क्या इसका पांव भारी हो गया। मंजूर से घर किराए पे लिया है। जाओ जाके पुलिस ले आओ। अब किसी के बाप में इतनी जुर्रत नहीं कि मुझे यहां रहने से रोक सके। सामान उतारो। कमीने मुझे तुझ पे पहले ही शक था बेगैरत। सब कुछ अच्छा छोड़े ने। अरे मैं नहीं छोड़ रहा इसको। मैं आपसे कह रहा हूँ ना छोड़े बस। क्या सोच के उसे मकान किराए पे दिया? जानते नहीं थे क्या उसे? जानता था फिर भी दिया आप। मगर क्यों चचा? तीन बेटियां हैं मेरी, उसने एक महीने के 50,000 दिए, 6 महीने का एडवांस। कम से कम छोटी की शादी तो हो जाएगी, वो तो बड़ी की तरह घर में बैठे बैठे बूढ़ी नहीं होगी। तो कम से कम हमसे कहा होता आपने, हम सब मिलकर ही कुछ कर लेते आपके लिए। कहा नहीं था क्या शफकू? मैंने तुझसे नहीं मांगे थे 50,000 रुपए? तूने 5,000 का नोट मेरे हाथ में पकड़ा कर कहा था कि बस इतनी मदद कर सकता हूं। अपने ही मां से बोल तेरे पास नहीं थे? अगले महीने अपने बेटे की शादी तो तूने बड़ी धूमधाम से की थी, सिर्फ अपनी फैमिली का सोचा। और ये अली भी जो कुछ कर रहा है अपनी फैमिली का सोच के कर रहा है, तो मैं क्यों सोचूं किसी और की फैमिली का? अब मैं भी जो कुछ करूंगा अपनी फैमिली के लिए करूंगा, और मैं देखता हूँ मुझे रोकता कौन है। अरे मैं रोकता हूँ तुझे, तू क्या करेगा? छोड़ दे इन्हें बस, कोई कुछ नहीं कहेगा इन्हें। मंजूर चाचा आपने जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक किया अपनी फैमिली के लिए। आप जाएं अपनी बेटी की शादी करें, हम सब आपकी खुशियों में शरीक होंगे। जो आपने दूध और जलेबी को अलाइदा अलाइदा करके रखा हुआ है, मैं आपको बताऊं कुछ चीजों के मिलाप से उनकी लज्जत और तासीर में भरपूर इजाफा हो जाता है। भाई मैं तो दूध और जलेबी को मिला जुला के खाऊंगा, और आप भी ऐसे खाया कीजिए, इससे बहुत ज्यादा आप खाया कीजिए। ये किस लिए? भाईचारे के लिए। देखें मर्जी भाई, अब मेरा मतलब है मर्जी और भाई दोनों। इन पैसों के पीछे जो मकासिद हैं
खून की वजाहत फरमा दीजिए, तब तक मैं दूध और जलेबी का खात्मा कर लूं। हैं? हम ये चाह रहे हैं कि मोहल्ले में जो तब्दीली वब्दीली की वबा फैली हुई है ना, आप इसे खत्म करने में हमारा साथ दें और मोहल्ले वालों को अली और मियां भाई के खिलाफ भड़काएं। सच पूछिए तो मुझे भी बहुत मायूब लगा। अरे भाई, हमारे आबाओ अजदाद इसी तरीके से रहते आए हैं, हम क्यों बदले? बदलो बदलो की रट लगा के पूरा मोहल्ला बदल दिया। वैसे आप भी अपने कपड़े बदल लीजिए, हमारे यहाँ की शरीफ खवातीन ऐसे कपड़े नहीं पहनती। आप जो है ना, मोहल्ले वालों के साथ मिक्स एंड मैच नहीं हो पा रही। ऐसे कपड़े तो अपनी वो पहनती हैं, क्या नाम है, ममता कुलकर्णी, अकिमी काटकर और मंदाकिनी। और आप यकीन जानिए, मैं उनको अच्छी निगाह से नहीं देखता। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप राम तेरी गंगा मैली का वो आबशार वाला सीन देख लीजिए। हाय 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 हाय, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। क्या खूबसूरत, मेरा मतलब है क्या वाहियात सीन है वो। वैसे ये हैं कितने? 50,000। मैंने क्या CD70 मोटरसाइकिल लेनी है? इतना सस्ता भाईचारा? अरे 50 के हिसाब से 5 लोगों का भाईचारा 2.5 लाख रुपए बनता है। हाँ, ओके ओके, मगर काम तो हो जाएगा ना? गुल्ला मस्ती करेंगे तो कोई रोकेगा तो नहीं? सबकी ऐसी की तैसी, हम जो कर रहे हैं अपने घर के सामने कर रहे हैं। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि हमें रोके। हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा, ये मर्जी तो मोहल्ले का पहले जैसा हाल कर देगी। मगर सवाल यह है कि मर्जी को बदमाशी से कैसे रोका जाए? ये कौन सा बड़ा मसला है, कहो तो पूरे शहर से अपनी बरादरी को बुला लूं, मार मार के बिल्कुल अपने जैसा कर देंगे, यूजर फ्रेंडली। नहीं, ये मसला हमारे मोहल्ले का मसला है, इसे हम सबने मिलकर हल करना है। हमें कानून की मदद लेनी होगी, लेकिन उनके अंदाज में। मतलब ये कि जिस तरह पुलिस को वो हमेशा हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं, इसी तरह हम पुलिस को अब उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पुलिस उनका साथ छोड़कर हमारा साथ क्यों देगी? पुलिस सिर्फ नोटों की ज़बान समझती है अब्बा। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें अच्छे काम के लिए उन्हें रिश्वत देनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारा मतलब है कि 5,000 रुपया देके अपने साथ कर लेंगे, काफी पैसे देने पड़ेंगे, आएंगे कहाँ से? बस यही एक मसला है कि पैसे कहाँ से आएंगे। बैंक से लोन ले लें रिश्वत के लिए, पर देख लें सूद के पैसे से रिश्वत देना जायज है कि नहीं। अरे पैसे ले लेंगे, वापस कैसे करेंगे? आखिर पैसे तो चाहिए ना, हम में से किसी के पास नहीं है। ये इतने सारे पैसे कहां से आए? कल मर्जी ने बुलाया था मुझे मिलने के लिए, उसे लगा था मैं पैसे देख के अंधा हो जाऊंगा और दोस्त और दुश्मन का फर्क भूल जाऊंगा। लेकिन वो एक बात नहीं जानती, पैसे से चीजें खरीदी जाती है, एहसास नहीं। अब आप अजीम इंसान हैं। थैंक यू अंकल।
ये सब क्या है? ये सब गुंडे हैं। किसने कहा है? ये वही सब लोग हैं जो मोहल्ले में आके फायरिंग करते थे। अब इन्होंने मोहल्ले में घुस के शराब नोशी और जुआगिरी शुरू कर दी है। अंदर करें इन्हें। अरे कमाल बात कर रहे हो, गौर से देखो इनकी शक्लों को। ये तो शक्ल से ही शरीफ खानदान के लगते हैं। शरीफ खानदान के तो आप भी लगते हैं इनकी तरह। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं समझाता हूँ आपको। ये 1,00,000 रुपए हैं और भी मिल जाएंगे, बस इनकी चमड़ी उधेड़ दे। लीजिए आ गए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये मर्जी जी हैं, सामने मंजूर चाचा के घर किराए पर रह रही हैं। अली बेटा कैसे हो? यासरा से पता चला है कि खुशी की खबर है, तो मैंने सोचा कि मेरा होना तो बहुत जरूरी है ना अली बेटा? जी। मुझे पता चला है तुमने अपनी बीवी के लिए क्या किया है और क्या क्या कर रहे हो। आज के दौर में कोई ऐसा करता है क्या? फिक्र ना करना, मुझसे जो हो सका मैं जरूर करूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। यासरा, जो भी काम हुआ करे मुझे जरूर बताया करो। मैं चाय लेकर आती। दूध कम डालना, मैं डाइटिंग पे हूं। अली बेटा, तुम्हारी बीवी बहुत प्यारी है, इसका ध्यान रखना, जमाना बहुत खराब है। जी रखता हूँ ख्याल, और आगे भी रखता रहूंगा, जमाने की ऐसी की तैसी। वो कल मैं जब घर आ रही थी ना, तो नीचे मुझे ये मिल गई थी। इधर उधर की बातें हो रही थी तो उसी में मैंने मेहरू का भी जिक्र कर दिया। अब मुझे पता नहीं था कि ये वही मर्जी है। आपको पता है मुझे बहन की कमी कभी महसूस नहीं हुई। क्योंकि आप में मैं अपनी बहन को भी देखता हूं और भाभी को भी, लेकिन शायद मुझमें कोई कमी रह गई है, इसलिए मैं आपके दिल में वो जगह नहीं बना पाया जो आपकी मेरे दिल में है हमेशा से। भाभी, ये सब कुछ सिर्फ अपनी औलाद के लिए नहीं कर रहा, मैं मुन्ने के लिए भी कर रहा हूं, मोहल्ले के सारे बच्चों के लिए कर रहा हूं। ये बात मुझे बहुत देर में समझ में आई है, लेकिन अब आ गई, और मैं अकेले नहीं कर सकता ये सब, मुझे सबका साथ चाहिए। मुझे आपका साथ चाहिए। ये दुश्मनों से लड़ सकता हूं मैं, इनसे जीत भी सकता हूं, लेकिन अपनों से कैसे लड़ूं? मुझे लग रहा है कि मैं आज हार गया हूं, आपने हरा दिया मुझे। मेरा ख्याल है मुझे मेहरू को लेकर यहां से चले जाना चाहिए। अली रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझे माफ कर दो। एक मिनट, ये क्या कर रही हैं भाभी आप? ये बंटी के जलाब की दवा है, जरूरी तो नहीं ना कि बंटी के लिए यूज हो।
हाय लमेरू, तुम्हारी स्किन इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। क्या इस्तेमाल करती हो? मैं बस कुछ नहीं, चाय। ओ थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा मैं सोच रही हूँ कि जो बात मैं कहने आई थी ना। कौन सी बात? नहीं वो मैं एक बात कहने आई थी, वो बात पता है मैंने कोई कही मैं ना एक बात जो है ना वो मैं एक्सक्यूज मी लगता है आज बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ेंगे। बता रही थी कि तुम कुछ ही दिनों में डबल से सिंगल हो जाओगी। शर्म नहीं आती तुम्हें भाभी के सामने ऐसे बात करते हुए? अरे तो मैं खुद से थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ, जो डॉक्टर ने बोला बस वही बता रहा हूँ। पानी? पानी हाँ मिलाता हूँ। असलम मकान नंबर 412। अबू तो हैदराबाद गए हुए। अच्छा ये नंबर प्लेट आपकी गाड़ी? तो एक ही नंबर प्लेट की दो गाड़ियां कैसे हो सकती? अरे भाई जाली नंबर प्लेट बनाने में कितना टाइम लगता है। हेलो, इधर उधर घूमने से कुछ हासिल नहीं होगा, तुम्हारी बीवी हमारे पास है। कौन हो तुम? कहाँ है मेरू? बोल मत, सिर्फ सुन। कल शाम तक 3 करोड़ का बंदोबस्त कर ले, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरी बीवी की सांसें रुक सकती हैं, और अगर माँ मर गई तो बच्चा भी साथ। मेरी बीवी या बच्चे को अगर कुछ हुआ तो जान से मार दूंगा। इस वक्त गुस्सा करना ना तो तेरी सेहत के लिए अच्छा है ना तेरी बीवी के लिए। जो कहता हूँ वो कर। मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? ये तेरा मसला है, चोरी कर, डाका डाल, खुद को बेच या फिर मोहल्ला बेच। कल तक 3 करोड़, वरना लाश पहुंच जाएगी जार्डन मार्केट। हेलो, कौन था? कहाँ है मेरू भाभी? इतने से पैसों से कुछ नहीं होगा, मकान बेचने पड़ेंगे और कोई हल नहीं है। वक्त जाया नहीं करो बेटा, अगर मेरू बिटिया को कुछ हो गया तो हम सब जिम्मेदार होंगे इसके, मान जा बेटा। इससे क्यों पूछ रहे हैं हम? मकान हमारे हैं, हम बेचे या रखें, इसको क्या? तुम सब जाके कागजात लाओ, हम मर्जी से बात करते हैं। हेलो, कागजात तैयार करवा लो, शाम तक सब आकर साइन कर जाएंगे। शरीफ लोग हैं पर शराफत की जबान नहीं समझते। बहुत बहुत मुबारक हो शाहजी। लक 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 लक
वैसे तो आजकल प्रॉपर्टी के रेट काफी गिर चुके हैं, लेकिन तुम लोग की मजबूरी देखते हुए मैं वो ही पैसे दे रही हूं जो मैंने कहे थे। पैसे कब तक मिल जाएंगे? कब तक क्या, ये रहे पैसे। ये तेरा मसला है, चोरी कर, डाका डाल, खुद को बेच या फिर मोहल्ला बेच, मोहल्ला बेच, मोहल्ला बेच। ये तो बच्चे नहीं कर रहे। हाँ जैसे तूने तो बहुत अच्छा किया हमारे साथ। ए बाजी ध्यान से। चल पगली, हम काय का ध्यान करें। ये क्या है? पुख्ता। ये किस लिए? अरे लाश को काट काट कर लेकर जाएंगे, लेग पीस अलहदा, ब्रेस्ट पीस अलहदा। और ओजड़िया अंतड़िया? ए बहन उसका तो पता नहीं, पर खारुनी की होगी। ए कड़े बाजी, भरी जवानी मरवाओगी क्या? हाँ मंजूर चाचा, ये क्या है? ये तेजाब है, अगर ये लाश पे डाल दे तो गोश्त तो गल जाता है, हड्डियाँ छुपा कर ले जाने में तो कोई इतराज नहीं होगा। अच्छा, शप्पू चाचा ये क्या ले आए? अरे इससे लहर दे देंगे, खून का गंद नहीं पड़ेगा, और इसका तो खून भी गंदा है। जानी। काम हो गया? भला कौन सा वाला? क्या हो गया है? कागजात पर साइन ले लिए सबसे? हाँ वो तो कब से। ठीक है, कागजात लेकर आ जाओ। कहा ना शाजी? बंगले पर। अब शाजी वो पैरू कहाँ है? वो भी बंगले पर है, उसकी फिकर न कर, पैरे में है वो। अब ठीक तो है ना? बहुत शोर मचा रही थी, बच्चा होने वाला है, मुझे जाने दो। एक थप्पड़ मारा तो बेहोश हो गई। तो पड़ी है कमरे में। शाजी चल तू जल्दी से आ जा। जी शाजी। मजा आया? अबे एड्रेस तो पूछ लेना था कि जाना कहाँ है। मैं तो बताने वाली नहीं, शाम तक मैं ना पहुंची तो वो खुद आ जाएंगे। अभी तुम बच्चे हो, जो तुमने मेरे साथ किया है ना। लका 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 लका, मैं मेरू का गला अपने हाथों से दबाऊं। पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालकर यहां तशरीफ लाए। दरअसल मुल्क की मौजूदा सूरत हाल देखकर हमने अपने पार्टी के एजेंडे में काफी तब्दीलियां मुरतब की हैं, जिनका आवाम के सामने आना बहुत जरूरी था। भाई साहब आज कल की लड़कियां कैसे नंगे नंगे कपड़े पहनती हैं, तौबा तौबा तौबा। लेकिन सर आपकी पार्टी में भी तो वही लोग हैं जो पहले दूसरी पार्टीज में थे, नए लोग तो नहीं आए हैं। जब वहाँ करप्शन करते आ रहे हैं तो क्या गारंटी है कि यहाँ आके वो करप्शन नहीं करेंगे? गारंटी तो इस बात की भी नहीं है कि आज आप जिंदा घर पहुँचेंगी या नहीं पहुँचेंगी, मतलब कब किसे कहाँ मौत आ जाए। और जहाँ तक सवाल है नए लोगों का, तो बात समझने की है। लोग नए नहीं होते, सोच नहीं होती है, इरादे नए होते हैं, फैसले नए होते हैं। बाथरूम जा रहा था।
आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि इस बार जीत आपकी पार्टी की होगी? हमारा कॉन्फिडेंस हमारी मुल्क से मोहब्बत है, हमारा कॉन्फिडेंस हमारे गरीबों का एहसास है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, इनकी सच्चाई, मोहब्बत और एहसास सिर्फ और सिर्फ पैसा है जिसके बलबूते पर ये आज इलेक्शन लड़ रहे हैं और शायद जीत भी जाएं। इनकी नाम निहाद ईमानदारी का एक सबूत है मेहरू, जिसको इन्होंने अगवा करवाया ताकि हमसे हमारा मोहल्ला कोड़ियों के भाव खरीद सके और उस पर फिर ये अरबों कमाए। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इन पे हाथ डाल सकूं, लेकिन सुना है कि मीडिया में बहुत ताकत हो। इधर आओ, शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? जाकर बाहर फेंक दो इसको। तुम अस्पताल पहुंचो, मैं देखता हूं इन्हें। जाओ। आज इनका असली चेहरा सामने आ गया और आप तक सबसे पहले ये खबर हमने पहुंचाई है। बकवास करते हैं, सवाल करते हैं मुझसे। मलिक साहब ने एक सहाफी के मुंह पे थप्पड़ मारा है। मुझे खुशी है इस बात की कि वो मछली पकड़ी गई जिसकी वजह से हमारा पूरा तालाब गंदा था। जानी, तेज, और तेज चलवाओ, जल्दी करना यार। तेज चलाओ यार। दो दिन पहले ही एक शो में मैंने कहा था कि वो झूठा है और आज ये बात साबित हो गई। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आगे तो सारा रास्ता ब्लॉक है, हॉस्पिटल करीब में, पैदल चलते हैं। हटो! कुछ नहीं किया, सब कुछ मलिक साहब ने करवाया। मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो एक बूंद हूँ। गंदगी का समंदर तो मलिक साहब है। छोड़ दो मुझे। देखो, मैं तुम्हें शक्ल से ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ क्या? हा? क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? बकवास ना कर, चलो ले चलो इसे। चल, 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 चल। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस मैं कुछ कुछ नहीं होगा। माशाल्लाह बच्चा और मेहरू दोनों खैरियत से हैं। आखिरकार तू कामयाब हो गया, देख सबकी मेहनत रंग ले आई, कितने खुश हैं सब लोग। असल बात तो यह, सब एक्टिंग कर करके थक गए थे, आज सब सुकून से सोएंगे। हाँ भाई, अब एक्टिंग वैक्टिंग खत्म, बड़ी मेहनत करवाई तूने वैसे। हाँ अब्बा, एक्टिंग खत्म, लेकिन मेहनत नहीं, मेहनत तो अब शुरू होगी। इसे दुनिया में लाने के लिए मैंने इस मोहल्ले को बदला है और अब ये जिंदगी में जिस जिस जगह कदम रखेगा ना, मैं उस जगह को बदल दूंगा। और मुझे यकीन है कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगा। हाँ, जिम्मेदारी, एज अ फिल्म मेकर मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मैंने पूरी करने की कोशिश की। अब आपकी बारी, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने घर को साफ रखना, सिर्फ एक खुद को साफ रखना, खुद को बदलना है, पूरा मुल्क बदल जाएगा।
कोशिश तो करके देखें, बाकी अल्लाह है ना। पाकिस्तान। दुश्वार लगे बेदार रहो तैयार रहो। गुमसुम ना रहना जो कहना है कहना के दिन रात बदलो जरा हालत भी बदलेगी हालात बदलेंगे आदत बदलो जरा ये जमीन भी तुम्हीं से आसमान भी तुम्हीं से कायनात ये बदलो जरा तुम हो तो जमीन है तुम ही से हंसी है हालात बदलो जरा बदला 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 मकड़ी अगर गंदा करती हो घर दफन कर दो जमीन पाक हो जोरा जोरी नहीं सीना जोरी नहीं ये हक